जी, जो अगला लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग करेंगे क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का। जो प्रीवियस डिस्कशन थी हमारी वो कुछ कैटेगरी से रिलेटेड थी, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, और उससे पहले लॉन्चेस से रिलेटेड थी कि माइक्रो पीयर करना है। प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास उसके, मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं उसमें डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, किसी में 1,000 हैं, किसी में 10,000 हैं, किसी में 200 हैं, किसी में 500 हैं। जितने मर्जी सेलर हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, उनसे गर्ज नहीं है। जब भी आप लोगों ने, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, जब आपने क्लास में टॉप करना हो तो आप सबसे नालायक को नहीं देखते, आप सबसे लाइक को देखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, कि उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को कम्पीट करते हो, बाकी ऑटोमेटिकली आपके पीछे रह जाते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो सबसे एंड पे पहले उसे कम्पीट करूँ, फिर उससे आगे वाले को, फिर उससे आगे वाले को, फिर जाके फर्स्ट वाले को, नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले ही आपका टारगेट होते हैं। सेम यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप 10 सेलर होंगे, मतलब जो पहले 10 सेलर होंगे, हम उनके साथ कम्पीट करेंगे, हमारे वो कम्पिटिटर हैं, बाकी सारे भाड़ में जाए, ठीक है, हमें उनसे गर्ज नहीं है। हम टॉप 10 सेलर्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, वही हमारे कंपटीटर होंगे, हम उन्हीं पे एनालिसिस करेंगे। उनके जो रिव्यूज होंगे, रिव्यूज क्या होता है, फीडबैक्स, जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करता है फीडबैक देता है कि दिस प्रोडक्ट गुड और बैड, ठीक है, जो भी उसका फीडबैक, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। रिव्यूज पे लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ मैं एंड पे, जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है कि बैड रिव्यूज का क्या नुकसान है, गुड रिव्यूज का क्या नुकसान है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। जो टॉप 10 सेलर होंगे उनका जो रिव्यूज होंगे मैक्सिमम 1500 हो यूएसए यूके मार्केट में। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, कल बहुत काम आएंगे, कल हमने ये सारा काम प्रैक्टिकली करना है, तो इसलिए ये पॉइंट्स नोट कर लें। मैं ये स्लाइड्स भी शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ। टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज 1500 से मैक्सिमम ना जाए, इससे ऊपर ना जाए, 1500 मैक्सिमम है, इससे नीचे जितने होंगे आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका बेस्ट प्रोडक्ट वही कंसीडर होगा जिसके रिव्यूज कम से कम होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट वो होगा जिसके रिव्यूज कम से कम होंगे एज अ सेलर। एज अ बायर, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एज अ सेलर और एज अ बायर। एज अ सेलर क्या हम लोग को देखना होता है, हमने रिव्यूज को अपने कम्पिटिशन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हम उसे कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिकली रिव्यूज क्या बता रहे होते हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है, इस सेलर से जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसे कितना सेटिस्फाइड है। अगर उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं और मैं भी वहाँ पे वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगी कि मैं वहाँ नाम कमा सकूँ, अपना नाम अर्न कर सकूँ, मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, उसे कम्पीट करने में मेरा खर्चा ज्यादा होगा। और अगर वहाँ पे उसका, उस प्रोडक्ट का नाम सही नहीं है, मतलब वहाँ लोग उससे ना खुश हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, सेल्स बहुत है, ना खुश होने के बावजूद उससे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, इट्स मीन कि मैं उस मार्केट में जल्दी अपने आप को सेटल कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी और सादा एग्जांपल दे के समझाऊँ तो, एक बाजार में जो शॉप है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसमें शॉपकीपर है, उसका प्रोडक्ट A1 है, पूरे मतलब शहर में ये मशहूर है कि यार वो जो शॉप है वो बेस्ट है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल की है, प्राइस बेस्ट है। आप चाहते हो कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं आप भी वही सेल करो, और उसके साथ वाली दुकान में आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, आपको क्या लगता है कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे? वेरी स्टार्ट में नहीं आएंगे, आपको टाइम लगेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको रेट्स उसकी निस्बत कम रखने पड़ेंगे, आपको क्वालिटी उसकी निस्बत बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके साल डेढ़ साल मतलब कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तब जाके आपका नाम बनना शुरू होगा, टाइम टेकिंग होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी। एज अ सेलर ये पॉइंट व्यू था।
लेकिन एज अ बायर हम लोग क्या करते हैं, एज अ बायर हम लोग देखते हैं कि किस प्रोडक्ट को लोग तारीफ करते हैं, कौन सी शॉप की। हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, लेट्स सपोज आप में से किसी ने गाड़ी खरीदनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है मैं किन से खरीदूँ, ठीक है, या डिफरेंट शोरूम्स हैं, मैं किसके पास जाऊँ, कौन सा रिलायबल है। हम रिव्यूज ले रहे होते हैं, जिसके रिव्यूज अच्छे आ रहे हो, ज्यादा आ रहे हो, हम उसके पास जाते हैं एज अ बायर। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ये फर्दर बहुत ज्यादा काम आने वाले। हम यहाँ एज अ सेलर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एज अ सेलर काम करना है। एज अ सेलर कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, जिसके रिव्यूज कम से कम होंगे हम उससे कम्पीट अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढे जिसके रिव्यूज कम से कम हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300, 1500 से कम होने चाहिए, 1500 से ज्यादा नहीं हो, 1500 से ज्यादा इनकेस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी चीजें जो हम नीचे डिस्कस करेंगे वो बाकी सारी चीजें उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, रिव्यूज उसके जा रहे हैं 1600, 1700, 1800 के चले जाएंगे। ये ना हो कि बाकी चीजें उसकी अच्छी हो, साथ साथ रिव्यूज उसका 10,000, 12,000 हो, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बेवकूफी है उस प्रोडक्ट में जाना। 1500 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1600, 1700, हद 2000 तक हो सकता है, अगर बाकी चीजें अच्छी हैं, उसकी रेवेन्यू उसका अच्छा है तो, अदरवाइज नहीं। ये एक लिमिट है आपकी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आपका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ये आपके प्रोडक्ट को का जो मेन कीवर्ड होगा, ठीक है, जो नीच होगी उस पर ये वर्क करेगा सर्च वॉल्यूम, जो हम नीच सेलेक्ट करेंगे। नीच क्या है, मेन कीवर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था। हंटिंग में फर्दर जब हम स्टार्ट करेंगे टूल्स पे काम, उस वक्त मैं आपको नीच को ज्यादा एलेबोरेट करके बताऊंगा कि जिसे हम मेन कीवर्ड बोलते आए हैं वो नीच है, वो नीच होती क्या है। वो उसका जो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए वो मिनिमम 10,000-12,000 हो, एग्जैक्ट फ्लेक्सीबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, जंगल स्काउट और हीलियम 10 के थ्रू हो, जंगल स्काउट टूल है, हीलियम 10 भी, इन दोनों के थ्रू हमने चेक करना है इसका। वायरल लॉन्च पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड यही है। अच्छा, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 12,000 मैं कर रहा हूँ। अब सर्च वॉल्यूम होता क्या है कि इस कीवर्ड को उस मार्केट प्लेस में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, हमने ये देखा होता है। ये अभी डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम इसका गूगल ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे अंदाजा हो सकता है कि हम जो नीच सेलेक्ट करने जा रहे हो अच्छी होगी या बुरी होगी। बाद में जाकर हम ये सर्च वॉल्यूम टूल से सर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, एवरेज सेलिंग प्राइस। प्राइस का मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, और उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों की प्राइस $15 to $50 हो, $39.99 है। जी जी सर, ये जो सर्च वॉल्यूम है, ये जो आपका पॉइंट है सर, डेली होना चाहिए 12,000, 12,000 से कम ना हो, ठीक है, 12,000 से ज्यादा होना चाहिए नीच का। जो बाकी हेल्पिंग कीवर्ड्स होंगे उनमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग कीवर्ड्स थोड़ी बहुत 12,000 के अगर नहीं मिल रहे ज्यादा, 10,000 के 3-4 एडजस्ट हो गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं, 3-4। ये नहीं कि आप 100 कीवर्ड यूज कर रहे हैं, 100 में से 90 आपके 10,000 के और एक 2-12,000 के नहीं, ऐसा नहीं है। इनकेस 90 कीवर्ड्स आपके मोर देन 12,000 है और 10 कीवर्ड्स आपको और नहीं मिल रहे थे तो आपने वो 10,000 वाले या 8,000 वाले एडजस्ट कर लिए तो चल जाएगा। लेकिन जो आपकी सर्च टर्म्स होंगी उन सर्च टर्म्स पे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। उनके जो हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए होते हैं वो समटाइम तो ऐसा होता है कि वो 50,000 से ज्यादा जा रहे होते हैं, जितनी अच्छी मिल गई हम वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी लिमिट यही होती है कि 12,000 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा अच्छे से अच्छी ढूंढें, ठीक है, 12,000 से कम नहीं होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। एवरेज सेलिंग प्राइस की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली $15 to $40, ठीक है, लेकिन आप लोग $15 to $50 करेंगे। प्राइस मैंने बताई थी प्रोडक्ट की, हम ये इसलिए सिलेक्ट करते हैं, $15 से कम हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है, कल मैंने बताया था हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें हमारा कम से कम प्रॉफिट मार्जिन 15% और 30% हो, मैंने कल ये बात बताई थी आप लोगों को। अगर हम $15 से कम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। कम कैसे होगा, लेट्स सपोज मेरी सोर्सिंग या फिर सस्ती सोर्सिंग हो जाती है प्रोडक्ट्स की चाइना से, अगर मेरी सोर्सिंग $5 में हो रही है, ठीक है, और $7 में मेरा प्रोडक्ट पड़ रहा है मुझे वेयर हाउस के चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस लगा के,
लेट्स सपोज पीछे तो मेरे पास $8 प्रॉफिट आ रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट पे, $8 प्रॉफिट देखने में 50-60% है मेरा प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन $15 से कम और $15 का मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ। अब क्या होगा फ्यूचर में, मैं कम्पीट कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है, पूरे अमेरिका को टक्कर देनी है मैंने, कोई एक शहर की बात नहीं है, ठीक है, जब पूरे अमेरिका को टक्कर देनी है, कंपटीटर कहीं से भी आ सकते हैं, मेरे साथ कंपटीटर आता है वो प्रोडक्ट लो प्राइस पे सेल करने शुरू हो जाता है, मैं तो कंगाल हो गया, मेरे तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट लो प्राइस में है, क्वालिटी मेरे जैसी ही है, प्राइस कम है, मेरे से चाहे वो 50 सेंट सस्ता दे दे, लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर देना, मार्केट है। अब वहां जब आएगा वो मेरे साथ कंपीट करेगा, अब मैंने क्या करना है, उससे दे के अपनी प्राइस कम करनी, जहां मेरा $8 प्रॉफिट था वहां $60 आ जाएगा, ठीक है, फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना है, वो $60 के बजाय मेरा $3-4 पे आ जाएगा, $3-4 भी वो भी रेयर केसेस है, तो फिर अमेजोन पे बिजनेस करने का फायदा क्या है कि $15 लगा के या $10 लगा के $3 का प्रॉफिट ले लो, या तो फायदा ये है कि $1 लगाओ बदले में $3 कमाओ, तो ₹1 लगा के ₹3 कमाओ, बिजनेस तो वही होता है ना, लाख लगा के करोड़ कमाओ उसे बिजनेस बोलते हैं, करोड़ लगा के लाख कमाना कोई बिजनेस तो नहीं है, वो तो हर कोई कर सकते हैं, जिसे मर्जी पकड़ा दो करोड़ रुपया को लाख रुपया कमा के कमा क्या जाएगा, उसे बिजनेस नहीं करते। एवरेज सेलिंग प्राइस आपके 15 to 50 से अबव क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि प्राइस वो 50 अबव हो जाएगी तो फिर वो एक्सीड कर जाएगी लिमिट, लोग जो है वो हमेशा क्या करते हैं कि जो दरमियानी प्राइस होती है उसे प्रेफर करते हैं, ना ज्यादा हाई प्राइस पे जाते हैं ना ज्यादा लो प्राइस पे जाते हैं, लो पे जाए चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन उन्हें शक होता है करके बाकी सारे महंगा बेच रहे हैं, ये साला सस्ता क्यों बेच रहा है, इसके प्रोडक्ट में खराबी होगी, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मतलब इस तरह की हमारी थिंकिंग ऐसी है, मेंटेलिटी ऐसी है, और ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस जो मर्जी हो थिंकिंग सबकी यही होती है, इसलिए प्राइस का फैक्टर यही रखना है, जब भी प्रोडक्ट हंट करना है हम लोगों ने उसकी सेलिंग प्राइस हमने देखी है वो $15 to $50 के दरमियान। नेक्स्ट है रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है वो 10 सेलर का मोर देन 15,000, अब ये 15,000 बहुत कम है, ठीक है, 15,000 रेवेन्यू जो है अच्छा खासा कम है, ये एक डेड लिमिट है, ठीक है, कि इससे नीचे नहीं जाना, इससे ज्यादा ही कमाना है। रेवेन्यू क्या होता है, जो मंथली टर्नओवर होता है आपके प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट सेल आउट करते हो जब पूरा माह सेल होता है, जो आप अमाउंट जनरेट करते हो उसे टर्नओवर बोलते हैं, उस टर्नओवर के अंदर से आपका प्रॉफिट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो आपके ऑब्वियसली आपने किया हुआ है आरओआई, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, सॉरी आपने नहीं किया रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, अब उसमें क्या होता है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बदले आपको कितना रिटर्न हो रहा है, लाइक आप $5,000 इन्वेस्ट किया था $15,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें $5,000 आपने साइड पे कर लिए जो आप इन्वेस्ट किया था, बदले में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है $10,000, तो आपका आरओआई जो होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम लेटर ऑन करेंगे। तो रेवेन्यू टॉप 10 सेलर्स का 15,000 होना चाहिए, इसमें क्या आ जाता है जी, अभी समटाइम ऐसा होता है कि जो टॉप 10 होते हैं उन टॉप 10 में 8 लोग तो ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, कोई कमा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल हम ये सारा काम प्रैक्टिकली करेंगे, आज सिर्फ बातों से समझा रहा हूँ ताकि चीजें पता चल जाए, लेट्स सपोज एक कमा रहा है $18,000, दूसरा कमाता है $15,000, एक कमाता है $17,000, इसी तरीके से 8 जो है वो $15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, एक है वो $2,000 कमा रहा है, सिर्फ $2,000, और एक है वो $7,000-$8,000 कमा रहे हैं, तो भी हम उस मार्केट में जाएंगे, हम मार्केट में जाएंगे, हम उन सबकी सेल्स चेक करेंगे कि सेल्स कितनी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एरर कहाँ जाता है, पीपीसी कंपनी पे, बेशक वो टॉप 10 सेलर्स में आ रहे हैं लेकिन क्या करते हैं वो पीपीसी कंपनी नहीं चलाते, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, 2,000-3,000 की सेल्स होती है, बाकी सारे ले जाते हैं ज्यादा, तो हम उस मार्केट में चले जाएंगे, हम उस प्रोडक्ट की पोटेंशियल चेक करेंगे कि इसकी सेल्स कितनी आ रही है, लोग इसे कितना खरीद रहे हैं, ठीक है, हम उसकी प्रोडक्ट की पोटेंशियल चेक कर रहे होंगे, फिर हम ये फैक्टर 10 में से 8 जो होंगे वो तो बेस्ट है ना, 2 का मसला आ रहा है, हम 2 को निगलेक्ट कर देंगे, हम देखेंगे उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितनी है, जो टॉप 8 है वो कितनी कितनी सेल्स ले रहे हैं, 3,000-4,000 सेल्स पर मंथ ले रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हम जाते हैं तो सेल्स हमें भी मिलेंगी, हमें बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा,
एपीसी कंपनी चलानी पड़ेगी, तो हम उस केस में चले जाएंगे। तो रेवेन्यू क्या होगा, 50,000 से अबव होना चाहिए टॉप 10 का। और ये हम डिफरेंट टूल्स पे चेक करते हैं, थोड़ी बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो रेलिवेंसी आएगी, और उसके बाद जो हम कन्वर्जेंस देखेंगे एनालिसिस में, वो इसी रेवेन्यू, सेल्स और इन चीज़ों पे होते हैं। वो हम लेटर ऑन जब प्रैक्टिकली काम करेंगे, हर चीज़ हमारे सामने होगी, तो हम डिस्कस करने में ज़्यादा ठीक है टच दे रहा हूँ। वैसे फिफ्थ वन है Amazon as a seller, AMG as a seller, not more than 3 in top 10। यहाँ पे साथ और नोट ऐड कर लीजिएगा, नोट्स जो बना रहे हैं। Amazon यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि Amazon जो है वो टॉप 10 में 3 बार नहीं आना चाहिए, और टॉप 5 में 2 बार भी नहीं आना चाहिए। लाइक मेरे कंपटीटर टॉप 10 है ना, अब टॉप 10 में 3 बार Amazon आ गया, Amazon कैसे आएगा ये बताता हूँ। 3 बार Amazon आ गया, मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा, मैं इस पर एनालिसिस नहीं करूंगा। टॉप 5 में अगर 2 बार आ गया तो भी मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। Amazon एज अ सेलर यहाँ लिखा हुआ है, Amazon खुद जो प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, Amazon खुद उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब Amazon खुद सेल आउट करना शुरू हो जाएगा वो प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली हम Amazon को कम्पीट नहीं कर सकते। इसकी हमेशा से जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो ये एग्जाम्पल देता हूँ कि आप में से किसी की शॉप है ब्रांड की, ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल आउट करते हो, मैं कहता हूँ यार मेरे सेम ब्रांड सेम क्वालिटी, ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ये अपनी शॉप पे रख लो, मेरे भी सेल आउट कर देना, क्या आप कभी ऐसा करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को पीछे रख के पहले मेरे प्रोडक्ट सेल आउट करें? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहले अपने निकालूँ और बाद में इसके देख लेंगे। सिर्फ जब Amazon खुद एज अ सेलर आ गया, उसे ना PPC का मसला, उसे ना SEO का मसला, ठीक है, उसे ना रिव्यूज से लेना देना, वो खुद सिर्फ जनरेट कर रहा है अमाउंट, वो खुद एज अ सेलर है, हमसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। वो टॉप 10 में 3 बार आ गया तो सारा रेवेन्यू तो वो ले जाएगा, उस प्रोडक्ट का सारी सेल्स तो वो ले जाएगा, इसे हम क्या लेंगे। लाइक इसकी एग्जाम्पल और अच्छे से समझाओ, लेकिन वो नेक्स्ट में, चले वो नेक्स्ट में समझाता हूँ। Amazon एज अ सेलर नहीं रहना चाहिए, Amazon खुद वो प्रोडक्ट 3 बार से ज्यादा सेल ना कर रहा हो। एक बार कर रहे हैं तो इट्स ओके, एक बार पे भी थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। वो कैसे गुंजाइश होती है, हम रेवेन्यू को, सेल्स को, रिव्यूज को देखते हैं। अगर सारा रेवेन्यू लाइक टॉप 10 है हमारे कंपटीटर, इसमें एक जगह Amazon बैठा है, बाकी जितने भी हमारे पास सेलर है वो कमा रहे हैं $15,000 और Amazon भी कमा रहा है $20,000, तो इट्स ओके, हम उस मार्केट में चले जाएंगे, उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी 9 भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर इनकेस ऐसा केस आ जाता है कि Amazon टॉप 10 में सिर्फ एक ही बार है, लेकिन वो Amazon खुद जो है वो $60,000 कमा रहा है, बाकी सारे $2,000, $3,000, $4,000 कमा रहे हैं, तो यहाँ देखो खुद अंदाजा हो रहा है कि सारा का सारा रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है, Amazon खुद जनरेट कर रहा है, बाकियों के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा, $2,000-$3,000 से बच रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट से हम अवॉइड करेंगे, चाहे वो एक बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 2 बार हो, हम ये चीजें चेक करेंगे, रेवेन्यू चेक करेंगे, सेल्स चेक करेंगे, फर्दर प्रैक्टिकली ये काम करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन भी सेम Amazon एज अ सेलर की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रांड कोई खुद PL का ब्रांड जो है जिसने भी लॉन्च किया होगा वो आ जाए, वो डोमिनेंट हो, उसकी डोमिनेंसी कैसे हमें अंदाजा होगा, जैसे Amazon का मैंने एग्जांपल देके समझाया, सेम इसी तरीके से ब्रांड की डोमिनेंसी का अंदाजा हमें उसके रेवेन्यू को, उसकी सेल्स को देख के हो जाएगा। हम देखेंगे टॉप 10 में ये जो ब्रांड है ये कितनी बार आ रहा है, ब्रांड अगर 3 बार आ रहा होगा तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10, सेम ब्रांड की 3 बार लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो जब हम करेंगे तो साफ बस देखने से अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्रांड कितनी बार बैठा है, सामने लिखा हुआ आ जाता है। अगर वो 3 बार बैठा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे कि ये कितना कमा रहा है, इनकेस रेवेन्यू बाकी भी उस जितना कमा रहे हैं या बाकी नीचे, और ये सारा रेवेन्यू यही जनरेट कर रहे हैं। अगर इनके सारा रेवेन्यू वो ब्रांड जनरेट कर रहा हुआ तो हम तो ऑब्वियसली बात उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इनकेस ऐसा होता है कि बेशक वो 3 बार है लेकिन बाकी सारे भी अच्छा कमा रहे हैं, उससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, उस जितना भी कमा रहे हैं, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं।
ठीक है, और अगर इनकेस इसमें भी वही बात आ जाती है कि सिर्फ एक सिंगल ब्रांड डोमिनेंट हो, कि सारा रेवेन्यू सारी सेल्स वो एक ब्रांड लेके जा रहा हो, बाकी सारे फ्री बैठे हो, तो भी हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, उस पर एनालिसिस करके टाइम वेस्ट करना, एंड पे जाके रिजेक्ट ही होना उस प्रोडक्ट में। तो शुरू में ये कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इन चीज़ों का, वहाँ पे रिजेक्ट कर लें, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, होना उस प्रोडक्ट ने रिजेक्टेड वेरी स्टार्ट इनिशियल स्टेज पे, नहीं तो एंड पे लाजमी उसने रिजेक्ट हो जाना, जिसमें ये सारी चीज़ें खूबियाँ खामियाँ जो बता रहा हूँ ये आ गई। तो अगर इसकी एग्जाम्पल दूँ ब्रांड डोमिनेंसी की, तो यहाँ पे एक खाड़ी, ठीक है, खाड़ी ब्रांड है जो हमारा यहाँ पे सरगोधा में मतलब पॉपुलर है, इसकी प्राइसेस भी होती है रीजनेबल होती है, स्टॉक भी अच्छा होता है बाकी की नस्बत। अगर ये यहाँ पे है और इसके साथ मैं इसे कम्पीट करना चाह रहा हूँ, इसके पब्लिक में अच्छी खासी डिमांड है इस ब्रांड की, ठीक है, और यहाँ पे आप सरगोधा में अंदाजा लगा लें बेशक वो करके सर्वे करके कि वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 60% या सरगोधा का रेवेन्यू तो वो जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, और बाकी 40% मार्केट पे डिवाइड है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो इतना जनरेट कर रहे हैं, मैं उसे कम्पीट करने के लिए मैं उसके सामने एक ब्रांड लॉन्च कर देता हूँ अपना, ठीक है, तो क्या लगता है कि मेरे पास आएंगे कस्टमर्स? नहीं आएंगे, उसका नाम चल रहा है, उसका सिक्का चल रहा है, ठीक है, या तो उससे कम प्राइसेस में रखूँ, या उससे स्टॉक बहुत अच्छा रखूँ, स्टैंडर्ड और सर्विसेज मेरे उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तब है पॉसिबिलिटी विद इन 3 to 5 or 6 months मेरे पास कस्टमर आना शुरू हो, मेरा नाम बनना शुरू हो मार्केट में, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। मैं मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खाड़ी को कम्पीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर मैं भी जाता हूँ तो पहले मेरी इतना ही कमाऊँ कि मेरे जो खर्चे हो रहे हैं सिर्फ वही पूरे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही ब्रांड डोमिनेशन का मतलब है कि एक सिंगल ब्रांड जब बैठा उसे कम्पीट आप नहीं कर सकते, तो उस ब्रांड में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो कि आप वो सारा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी ना है, तो आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, लॉस में रहोगे, तो फायदा नहीं होगा। लेटर और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ट्रेंडी, ट्रेंडी क्या है? पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है इस कीवर्ड पे, ट्रेंडी पे, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, किसी खास ट्रेंड के लिए ना हो, ठीक है, किसी खास ओकेजन के लिए ना हो, किसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस के प्रोडक्ट्स क्रिसमस में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। अभी जो हमारे यहाँ आ रहा है एज अ मुस्लिम, ईद आ रही है हमारी, अब वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह आ रही होगी, लेकिन इस पे तो वही ऑब्वियसली जानवरों का ही होता है, वो ज़्यादा अरूज पे होते हैं, तो मतलब उनकी मार्केट सजी हुई है। ये प्रोडक्ट जो जानवरों का है, एक ट्रेंडी प्रोडक्ट एग्जांपल लाइक बकरे हो गया या बैल हो गया, मार्केट क्या तो नहीं बताया था, ओवरऑल वेट बताया था 2 kg। यहाँ पे यूएस से यूके मार्केट में जो वेट होगा प्रोडक्ट का वो 2 kg से ज्यादा ना हो, ठीक है। उसकी वजहवार क्या है, मैंने बताया था, आपके डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्रीज हो सकती है, आपके वेयरहाउस चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं, एफडीए चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इनडायरेक्टली कम हो सकता है। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट रेटिंग की। रेटिंग क्या है? मार्केट में नाम बनाना, स्टार्स वगैरह जो मिलते हैं। यूएस से यूके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रेटिंग जो है, जो हम हंट करेंगे प्रोडक्ट टॉप 10 की, उनमें 4.2 होनी चाहिए, इट्स मीन 4 अबव हो रेटिंग उनकी, 4 से बिलो कोई भी ना हो। जो भी हमारे टॉप 10 कंपटीटर होंगे वो उन 10 की रेटिंग 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग लाइफ,
लिस्टिंग लाइफ से मुराद के इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए कितना अर्सा हो गया, ठीक है, उसे लिस्टिंग लाइफ बोलते हैं कि लिस्टिंग कब हुई थी पहली बार. लाइक मैं कहता हूँ 2 साल पहले लिस्टिंग हुई थी तो उसे अब तक कितना अर्सा हो गया होगा, ऑब्वियसली बात 2 साल. मैं कहता हूँ लास्ट दिसंबर में लिस्टिंग की थी, अब तक उसे कितना टाइम पीरियड हो चुका है, तो अप्रोक्सीमेटली 6-7 माह 6 माह होने वाले होंगे, ठीक है. लिस्टिंग लाइफ जो है प्रोडक्ट की टॉप 10, उनकी लिस्टिंग लाइफ हायर देन 6 मंथ, तो 6 माह से ज्यादा लिस्टिंग टाइम उनका हो चुका हो. ये फैक्टर क्यों होता है? ताकि हम उस प्रोडक्ट को जज अच्छे तरीके से कर सकें. अब ऐसा प्रोडक्ट जो 1 माह पहले लॉन्च हुए है, हम उसका जो डाटा होगा उससे ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, रेदर देन कि ऐसा प्रोडक्ट जिसे लॉन्च हुए 7-8 माह या 1-2 साल हो चुके हैं, उसका डाटा हम कलेक्ट करेंगे तो उसके डाटा से हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे कि इस मार्केट में किस तरह ये प्रोडक्ट चल रहा है, इसका इसे कितना बेनिफिट हुआ है, इस प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. पुराना रिकॉर्ड जितना ज्यादा होगा हम देख के अच्छा अंदाजा लगा सकेंगे, और जो सेलर नया नया आएगा उसके पास डाटा इतना ही होगा, हम नहीं अंदाजा लगा सकेंगे कि इस प्रोडक्ट में जाते हैं तो फायदा होगा, जाते हैं या तो नुकसान होगा. तो इसलिए लिस्टिंग लाइफ जितनी पुरानी होगी बेस्ट होगी एज अ सेलर, और नई होगी वो थोड़ा अवॉइड करेंगे. इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं. टॉप 10, टॉप 10 में से 8 की लिस्टिंग लाइफ जो 6 मंथ से पुरानी है तो चल जाएगा, 2 ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग लाइफ 4-5 माह हुई है, तो इट्स ओके, कंप्रोमाइज हो जाएगा. वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन के सामने लिखा है इफ एप्लीकेबल, ठीक है. इसका मतलब क्या है? एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन अप टू कॉस्ट ऑफ 1 USD. इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई साथ प्रोडक्ट अटैच करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, आप लोगों ने देखो अगर केचप के साथ मसाला फ्री मिलता है, फीमेल्स को ज्यादा अंदाजा होगा, जब आते हैं रमजान में मोस्टली ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि जामशेरी के साथ वो सोया सॉस फ्री मिल होता है एक छोटी, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 ml की वो बोतल. केचप के साथ मसाला फ्री मिल रहा होता है, ये इमली फ्री मिल रही होती है, या कोई ना कोई ऐसा छोटा प्रोडक्ट साथ फ्री मिल रहा होता है बड़े प्रोडक्ट के साथ, वो क्या होते हैं? वैल्यू एडिशन होते हैं आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो साथ लगाए जाते हैं. अगर ऐसा कुछ कर ले आपने रेटिंग बढ़ाने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस $1 से ज्यादा ना हो, उसकी प्राइस $1 से कम हो. ऐसा प्रोडक्ट साथ अटैच करना है जिसकी प्राइस $1 से कम हो, ठीक है. ज्यादा महंगा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होगा. ये USA UK मार्केट का क्राइटेरिया था. 12 पॉइंट है अभी यहाँ पे, ये क्राइटेरिया देखे गौर से. रिव्यूज 1500 है, सर्च वॉल्यूम 12,000 है, प्राइस जो है 15 से 50 मैंने बताई है, उसके बाद रेवेन्यू 15,000 है, ठीक है, बाकी चीजें सेम है. नीचे पहले जो 4 पॉइंट है वो थोड़े से अलग है, बाकी हर चीज सेम होगी. अगर ये बात हम करते हैं जी USA मेक्सिको, और ये अभी जो आप लोगों के सामने क्राइटेरिया है ये कैनेडा USA का वो मैंने बता दिया था दूसरा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का भी वही था, UK का भी वही था. ये कैनेडा, मेक्सिको, जर्मनी, ठीक है, उसके बाद दुबई में भी चल सकते हैं, ये सऊदीया में थोड़ा इससे कम चलेगा, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा. मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे. बाकी इसमें पॉइंट ए में पहले 4 पॉइंट अलग है. इसमें था एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1500 थे, इसमें 1000 है. इट्स मीन कि हम जब इन मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट सर्च करने लगेंगे तो हम रिव्यूज जो पुट करेंगे वो जो होंगे वो 1000 से कम होंगे. उसके बाद जो सर्च वॉल्यूम है उसमें 12,000 था, इसमें 6,000 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग तो कोशिश करेंगे 8,000 तक, ठीक है, 8,000 तक आप लोग तो सर्च वॉल्यूम की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मार्केट प्लेस थोड़ी सी अपग्रेड हो चुकी है. उसमें प्राइस थी 15 से 50, इसमें भी मैं 15 से 50 से रिकमेंड करूंगा, ठीक है, 15 से 50 ही रखें इसकी प्राइस. यहाँ पे प्राइस कम है, $12 से $25 है अप्रोक्सीमेटली, कि मेरा सजेशन यही है 15 से 50 रखें, प्राइस सेम ही रखें दोनों मार्केट प्लेस जो भी मर्जी हो, ठीक है. और उसके बाद जो रेवेन्यू है टॉप 10 सेलर्स के, यहाँ पे 10,000 लिखा है, वहाँ 15,000 लिखा था. अच्छा, यहाँ पे 10,000 है,
एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, रेवेन्यू दोनों क्राइटेरिया में रेवेन्यू और रिव्यूज के दरमियान एक रिलेशन था, और रिव्यूज 1500 थे, रेवेन्यू 15000 था, या रिव्यूज 1000 है, रेवेन्यू 10000 है। इस रिलेशन को बिल्ड करना आना चाहिए। यहाँ पे तो इन्होंने ये रैंडमली क्राइटेरिया में पुट हुआ है कि 1000 से 10000, 1500 से 15000, इस ये एक रिलेशन है जो एग्जिस्ट करता है। जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो रिव्यूज को लेके सेल्स को देखते हुए, अपनी प्राइस को देखते हुए हम आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक कर रही है, इनका रिलेशन हमें क्रिएट करना आना चाहिए कि रिव्यूज कितने हो और सेल्स कितनी हो, तब जाके मेरा रेवेन्यू इतना बनता है। लाइक मैं कहता हूँ, मैं मार्केट यूएस मार्केट में प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सर्च करना है। मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिकली काम नहीं करवा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ गौर से सुनने से। मैं कहता हूँ मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका रेवेन्यू हो अच्छा हो, रिव्यूज कम से कम हो, सेल्स भी अच्छी हो। क्राइटेरिया सिंपल सी बात है, मेरे माइंड में आ गया है, रिव्यूज कम हो, इट्स मीन रिव्यूज 1500 से जितने कम मैं कोशिश करूँ उतने हो। तो मैं क्या रखूंगा, पहले कोशिश करूंगा 800 रिव्यूज, ठीक है, 800 रिव्यूज मैं 800 पुट करूंगा। सेल्स मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा देखूंगा फोकस में, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10000 है, 15000 है, 15000 है, मैं 30000 तक कोशिश करूंगा, $30,000 तक का रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रोडक्ट ढूंढूं, कस्टमर को खुश करना है। वो खुश होगा कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 15 है तो रेवेन्यू उसका 30 हो, मैं $30,000 पुट करूंगा। अब रिव्यूज मुझे कितने चाहिए, 800 रिव्यूज चाहिए, रेवेन्यू मुझे कितना चाहिए, 30,000 चाहिए। सेल्स अब कितनी होगी ये डिपेंड करेगा प्राइस पे, कि मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मार्केट में कितनी है। सेलिंग प्राइस अगर आपके प्रोडक्ट की लेट्स सपोज $30 है, तो मुझे सेल्स कितनी चाहिए होंगी 30,000 रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, 1000 सेल हो मेरे प्रोडक्ट की, $30 की सेलिंग प्राइस है, और रिव्यूज मुझे कितने चाहिए, 800, रेवेन्यू मुझे कितना चाहिए, $30,000। मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें, उन पे मैं एनालिसिस अगर करता हूँ और वो एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, बाकी ये सारी चीजें अमेज़न डोमिनेंस, ब्रांड डोमिनेंस, ट्रेंडी सीजनैलिटी वगैरह ये सारी चीजें हो जाती हैं, ओके, कंपिटिटर एनालिसिस में जो चीजें मैंने चेक करनी है वो हो जाती हैं पूरी, तो मेरा वो प्रोडक्ट बेस्ट हो जाएगा। मेरा इट्स मीन जो मैंने क्राइटेरिया पुट किया वो बेस्ट पुट किया है, ठीक है। अगर इनकेस मैं इसमें थोड़ी बहुत और तब्दीली लाऊं तो मुझे मेरे लिए प्रोडक्ट और चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने रिलेशन एक बिल्ड करना है, सेल्स का, रिव्यूज का और रेवेन्यू का, ठीक है। और मैंने बताया कि रिव्यूज हमारे जितने कम से कम हो गया हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छे से अच्छा होगा, सेल्स हमारी जितनी ज्यादा होगी हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, रेवेन्यू हमारा जितना ज्यादा होगा, रिव्यूज कम होंगे, रेवेन्यू ज्यादा होगा, हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडी और सीजनल से बचने, प्राइस हमारी रेंज के दरमियान होगी, कोशिश करें 30 और 40 तक का प्रोडक्ट जो होता है वो आइडियल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। 30-40 के दरमियान वाली प्राइस आइडियल प्रोडक्ट होता है, वो मिल जाए तो बेस्ट हो जाए, सोने पे सुहागा, ठीक है। और बाकी सर्च वॉल्यूम जो होता है वो हम नीश के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये थे हमारे दो क्राइटेरिया, इनके अकॉर्डिंग ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, पहले के रेंजेस बताएंगे कि आप इस चीज में इस रेंज को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। अभी ये 1000 रिव्यूज है तो 1000 से ज्यादा नहीं जाना, नीचे जितना मर्जी रहे। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस का बता दिया, रेवेन्यू का बता दिया, ये दोनों क्राइटेरियाज है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ऑप्शन नोट्स भी बना रही होंगी। यहाँ पे एक बात की थी हम लोगों ने सीजनल और ट्रेंडिंग 7-8 पॉइंट, वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ यहाँ पे। लेकिन जब भी हम लोगों ने देखना है कि कोई प्रोडक्ट सीजनल है या ट्रेंडी है, तो हम क्या करते हैं, गूगल क्या एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, हम वो यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड। आप लोगों ने क्या लिखना है जी, गूगल ट्रेंड लिख के सर्च करना है आप लोगों ने, गूगल ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे गूगल ट्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, www.think गूगल, ये भी चल सकती है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए प्रोटोटाइप भी है, http://trends.google.com, अच्छा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, गूगल ट्रेंड पे, और ये मेरे पास गूगल ट्रेंड ओपन हो गया।
या सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मार्केट प्लेस यूज करना। सबसे पहला काम मार्केट प्लेस में कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मैं करता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके से ना यूके सामने आ गई तो मैं यूके जा रहा हूँ, बस यूएस को सर्च करने में फिर टाइम लग जाएगा। यूके लेट्स सपोज मैं यूके सिलेक्ट करूँगी, यूके हो गया, प्रोडक्ट मेरे माइंड में पहले होगा, वो कल हम जब वर्किंग करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो पहले प्रोडक्ट का आइडिया हमें उस जो रेवेन्यू जो सॉरी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट का आइडिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा तो फिर हम आके यहाँ पे करेंगे उसका वो 7 और 8 पॉइंट एनालिसिस के वो ट्रेंडी है या सीजनल है। ये करवाने से पहले एक बात क्लियर कर दो तो स्टूडेंट्स के माइंड में भी क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूज हो कि पता नहीं क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कब करना है कैसे करना है। क्राइटेरिया हम उस केस में इंप्लीमेंट करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं जब हमारे हमें सिर्फ इतना पता हो कि मेरी जेब में पैसा कितना है इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्ट का आइडिया हमें नहीं हो, प्रोडक्ट का आइडिया बिल्कुल ना हो। ठीक है, तब हम क्राइटेरिया यूज करते हैं। जब प्रोडक्ट का आइडिया ना हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का आइडिया हो और इतना आइडिया हो कि कमाना कितना है, तब हम क्राइटेरिया यूज करेंगे। जब मुझे पता हो कि ठीक है प्रोडक्ट का आइडिया मेरे माइंड में हो कि यार उस मार्केट में ये प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है, तो मैं फिर क्राइटेरिया यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे आके कंपटीटर एनालिसिस करूंगा। ये बात याद रखना, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो ये चीजें हमें आएंगी सामने। ठीक है, समटाइम ऐसा होगा प्रोडक्ट का आइडिया हमारे पास होगा, हम डायरेक्ट उस पर एनालिसिस करेंगे। समटाइम ऐसा होगा कि हम क्राइटेरिया पुट करके प्रोडक्ट का आइडिया लेंगे, पहले प्रोडक्ट ढूंढेंगे फिर उस प्रोडक्ट का जाके हम क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास प्रोडक्ट है माइंड में, मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ कि उसकी इस मार्केट प्लेस में डिमांड कितनी है और क्या वो प्रोडक्ट सीजनल या ट्रेंडी तो नहीं है। ये चीज अपने माइंड को ये जो अगर कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा, गूगल ट्रेंड का यूज करूंगा। और एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप पहली सीढ़ी ही यही है, अगर इस सीढ़ी में इस इम्तिहान में आपका प्रोडक्ट पास होता है तो सर्च करना है तब एनालिसिस करना है, अगर इसमें रिजेक्ट होता है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, सर्च टर्म चेंज करके देख लें, जो नीश है वो चेंज करके देख लें। लेट्स सपोज प्रोडक्ट था आपका जी ढोला हुक, ठीक है, आपने उस पर एनालिसिस किया अच्छा नहीं आया, लेट्स सपोज अच्छा नहीं आया, आप चेंज कर लें ढोला हुक फॉर वीमेन कर लें, ठीक है, सिर्फ हुक कर लें, डिफरेंट सर्च टर्म्स होती है, आप उनमें से कोई सर्च टर्म यूज कर लें और उस पर एनालिसिस करके देखें, क्या पता उस पर गूगल ट्रेंड अच्छा आता है। इसकी मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, लाइक पहले मैं दिखाता हूँ सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट कैसे होता है। क्रिसमस ट्री का करूँ मैं अगर यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड क्रिसमस ट्री का चेक करूँ यूके मार्केट प्लेस में, और ये का कितना हुआ आपका लास्ट 5 ईयर का, वहां पे लिखा हुआ था क्राइटेरिया में लास्ट 5 ईयर का, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक कर लिया तो यहाँ देखें ये पहाड़ियां नजर आ रही है, ठीक है, पता नहीं कौन सी है लेकिन है पहाड़ियां। अब यहाँ पे देखें नीचे डेट चेक कीजिएगा, मैं कर्सर ले आता हूँ यहाँ पे, ये पीक पे कब गई जी, यहाँ पे 3 to 9 December, तो 6 दिन के लिए 3 December to 9 December 6 दिन के लिए पीक पे गई, कहाँ पे रही 80%, ठीक है। नेक्स्ट पूरा साल कहाँ पे रही, दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, 0 पे, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में आके ये क्या किया इसकी सोर्सिंग शुरू हो गई सितंबर में, सॉरी ठीक है सितंबर में ये इंक्रीज, बाकी पूरा साल 0 पे रही। फिर देखें अक्टूबर नवंबर और एंड पे आके जी दिसंबर में नवंबर में और यहाँ अभी पीक अभी 2 से 8, पहले 3 से 8 थी, ठीक है, और अब 2 से 8, 6 दिन के लिए फिर टॉप पे आ गई 89%, पिछले साल से ज्यादा हुई। फिर क्या हुआ दिसंबर के एंड तक 29 दिसंबर तक ये क्या हो गया खत्म हो गया प्रोडक्ट, फिर पूरा साल 0 पे रहा, ठीक है। अगेन क्या किया तीसरे साल फिर ये टॉप पे गई 1 से 7 दिसंबर 6 दिन के लिए, और टॉप पे कितना गई 90% तक, फिर ये पूरा साल 0 पे आ गई। अब ये बात कहां से शुरू हुई 2017 से, और अब हम कहां पहुंचे हैं 2020 की तरफ जा रहे हैं। अब 2020 पे देखें, 2020 में ये कहां पे थी जी,
टॉप पे कर्सर आ जाए। यहाँ पे देखिए जी 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 100 पे थी, 100%। ठीक है, फिर क्या हुआ 2020 के बाद फिर जीरो पे आ गई। 2021 के दिसंबर में ये फिर क्या गई टॉप पे, और तब कब गई जी 2021 के दिसंबर में ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक। अब 2022 के दिसंबर में ये फिर आएगी और अभी ये जीरो पे चल रही है। ये प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट है कि हमें पता चल रहा है कि पूरे साल पिछले 5 सालों में ये सिर्फ 1-6 दिन के लिए टॉप पे आती है, बाकी पूरा साल ये जीरो पे रहती है। लेकिन ये जो 6 दिन के लिए टॉप पे आती है, 6 दिन में इतना कमा लेते हैं कि बाकी कोई एक एवरेज सेलर पूरा साल इतना नहीं कमाता जितना ये 6 दिन में कमा लेते हैं। ठीक है, ये था ट्रेंडी प्रोडक्ट हमारा, सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि इससे पहले मैं कौन सा पॉइंट एक और डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ग्राफ से रिलेटेड, तो 25 की लाइन से अबव होना चाहिए और सर्च टर्म हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेलमेट पर इतने पिंक हेलमेट पे पिंक हेलमेट में सर्च में चेंज किए पिंक हेलमेट। इसका ग्राफ देखें, ये 25 साल वहां पे आपने क्राइटेरिया में पढ़ा है 25 की लाइन से ग्राफ आपका अबव होना चाहिए। ये देखिए ग्राफ आपको 25 साल लाइन से अबव तो नहीं नजर आ रहा, नीचे नजर आ रहा है मुझे, आपके ग्राफ 25 साल लाइन से नीचे ना हो। ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है ये बता रहा है कि इसमें डाउनफॉल कितना है, फिर अप कितना गया, फिर डाउन कितना है। ये बहुत ज्यादा इरेगुलर हमारा प्रोडक्ट था, तो इसमें क्या था चीजें स्टेबल नहीं थी, अप्स डाउन आती रही है, बहुत ज्यादा आती रही है। और ये 25 वाली लाइन से नीचे है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा अप्स डाउन थी। इसकी कर्व्स देखिए ज्यादा लंबी है, ठीक है, पीक में भी जाता है तो ज्यादा जाता है, फिर जब डेप्थ में आता है तो ज्यादा जाता है, तो इसकी कर्व्स भी लंबी है। तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं है, इट्स मीन ये जो हमारी नीश है इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो गया, नहीं, ये जो नीश मैंने सेलेक्ट की है पिंक हेलमेट, ये नीश थी मेरी यहाँ पे, ये गलत है। मैं इस नीच को चेंज करता हूँ, मैं इस नीच को पुट करता हूँ सिर्फ हेलमेट, फिर देखिएगा अगर आप नीच चेंज कर दी पिंक हेलमेट की वजह से हेलमेट कर दी। अब ग्राफ देखिए इसका, ठीक है, अब देखिए जी ये टॉप पे आ रहा है, 50 पे था, कर्व भी छोटी थी, ठीक है, फिर क्या हुआ जी यहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन के साथ चल रहा है, ज्यादा इसमें डाउनफॉल अप्स एंड डाउन नहीं है पिछले 5 साल में, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी इसमें थोड़ा सा एक आया लेकिन आप ग्रेडिंग आई, डाउनफॉल नहीं आया, बेनिफिट था, 50 वाली लाइन से नीचे नहीं आ रहा। और एंड पे ये जो एक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है, वेरी फॉर दिस पॉइंट है पार्टिशली इनकम्प्लीट डाटा, अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ तक डाटा इसका कंप्लीट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें इसकी कर्व बेंड हुई है नीचे, तो लेकिन इस पे डाउनफॉल आया भी सही, तो पिछले 5 साल में देखें इस प्रोडक्ट में डाउनफॉल कोई नहीं है पिछले पूरे 5 साल के रिकॉर्ड में आप लोगों के सामने। अगर पिछले 5 साल में रिकॉर्ड डाउनफॉल नहीं आया तो पॉसिबिलिटी है कि अगले 5 साल भी रिस्क में डाउनफॉल ना आए, इट्स मीन रिस्क आप ले सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, क्योंकि देख ले पिछले 5 साल का रिकॉर्ड क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा जो कर्व नीचे आ रही है ये प्रोडक्ट की नेचर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक कर्व नीचे जा रही है तो किस पॉइंट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले 5 साल में इसका डाउनफॉल ज्यादा नहीं था, तो इट्स मीन कि ठीक है ये अगर डाउन गई भी से तो 50 वाली लाइन से नीचे नहीं जाएगी, फौरन अप हो जाएगी, ठीक है। ये जो नीचे डॉटेड लाइन है ये होती बेसिकली है डाउनफॉल के लिए, लेकिन ये बिल्कुल एंड पे है, तो इट्स मीन यहाँ पे ग्राफ कह रहा है कि यहाँ तक मेरे पास डाटा है, इससे आगे मेरे पास डाटा नहीं है, इट्स मीन मतलब इसके पास 2021 के मई तक जून तक 4 जून तक का भी डाटा नहीं है, इसके पास है जी 28 मई तक का डाटा है 2022 के, ठीक है, 28 मई तक का डाटा इसके पास है, आगे कह रहा है कि मेरे पास डाटा नहीं है। वो आप 10 दिन बाद चेक करें, वो सारा ग्राफ इसका आगे 10 दिन का बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बेस्ट होता है, मैंने चेंज क्या किया था, सिर्फ पिंक हटा के हेलमेट लिखा तो मेरा पूरा ग्राफ चेंज हो गया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट अगर कोई पसंद आ गया उसकी नीच चेंज कर लें, अगर उसका ग्राफ अच्छा नहीं है उसकी नीच चेंज कर लें, लाइक पिंक हेलमेट आपने पहले मेन कीवर्ड सेलेक्ट किया तो अच्छा नहीं आ रहा तो आप सिर्फ हेलमेट कर लें। एक पॉइंट डिस्कस करना था यहाँ पे, उसमें सीजनल ग्राफ कैसा होता है, ट्रेंडी ग्राफ कैसा होता है वो मैंने डिस्कस कर लिया,
उसके बाद जिस ग्राफ में ज्यादा अप्स डाउन आ रही है वो प्रोडक्ट की नेचर कैसी होती है वो डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आप लोगों का काम जो है पहला कुछ नहीं है, पहला जो पढ़ा है वही रिवाइज करना है, काम कल से शुरू होगा। सर एक क्वेश्चन था, ये था जी जी सर, वो आपसे बात पूछनी थी सर। मैंने ना एक प्रोडक्ट देखा था सर, वो ना जिस तरीके से उसकी जो प्राइस अमेज़न पे थी वो सर 146 डॉलर्स का सर वो सेल हो रहा था, और सर मंथली रेवेन्यू भी 3 लाख प्लस था सर, 3 लाख प्लस डॉलर था। तो सर मतलब फर्ज करे अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है और सर वो अलीबाबा पे वो प्रोडक्ट सर 35 to 36 डॉलर्स का मिल रहा है सर, मतलब इतना ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है सर इसके अंदर। तो सर अगर इसका सर्च वॉल्यूम जिस तरीके से 12,000 पर फॉर एग्जांपल मतलब कंपलसरी अगर 10,000 भी और इतना मार्जिन हो मतलब प्रॉफिट मार्जिन हो तो इसको हम ले सकते हैं सर। अगर 12,000 उसका सर्च वॉल्यूम भी है, प्राइस उसकी 146 है, सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसकी अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 डॉलर है, या बात आ जाती है आपका जो क्लाइंट होगा या आप खुद होंगे इन्वेस्टमेंट पे, अगर इन्वेस्टमेंट इतनी है ठीक है कि 35 डॉलर का मैन्युफैक्चर करवाओ, इनकेस 35 डॉलर का मैन्युफैक्चर कराने आप बता रहे हो उसका रेवेन्यू 3 लाख डॉलर से ज्यादा जा रहा है, इट्स मीन उसकी सेल्स भी मैक्सिमम होगी, 3-4 हज़ार सेल्स होंगी उसकी मंथली बेसिस पे, इट्स मीन आपको मंथली बेसिस पे अपना प्रोडक्ट कितना कितनी क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी 3-4 हज़ार पीस, तो 30 × 3 = 4,000 कर लो, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आई, फिर उसकी डिलीवरी चार्जेस आए, फिर उसके वेयर हाउस चार्जेस आए, फिर एफबी चार्जेस आए, इतनी इन्वेस्टमेंट है। आप प्रोडक्ट में जाओ इन्वेस्टमेंट में अपना टर्नओवर भी देखो, 3 लाख डॉलर टर्नओवर है, जा सकते हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया ये सिर्फ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बताया है कि आपने क्या करना है कि कस्टमर से उसकी इन्वेस्टमेंट पूछनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट की रेंज के अकॉर्डिंग जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो रेंज के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। सो अगर कहता है मुझे $50,000 टर्नओवर चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे, अगर वो कहता है मुझे $30,000 रेवेन्यू चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग हंट करते हैं, अगर वो कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट $50,000 है तो हम उसे ऑब्वियसली $50,000 उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे $30,000 या $15,000 टर्नओवर तो नहीं देंगे, $50,000 उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट आप कह रहे हैं हम उसे ये दिखा सकते हैं प्रोडक्ट, अगर इसका एनालिसिस करके देखते हैं अच्छा है हम कह सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में फायदा है, $50,000 इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीजें रियलिस्टिक होकर देखनी पड़ती है कि आप सर्कमस्टांसेस किन सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, आपने बताया कि एज ए सेलर हमारे पास जो रिव्यूज होने हैं वो होते हैं वो 1500 से कम होने चाहिए, तो सर ये वही वाले रिव्यूज है जो बायर जो प्रोडक्ट बाय करके जो रिव्यूज देते हैं सेलर को, वही वाले रिव्यूज कंसीडर कर रहे हैं जी, वही रिव्यूज है। तो सर कोई भी प्रोडक्ट रैंकिंग में तभी आएगी कि जब सेलर के रिव्यूज ज्यादा होंगे तो तभी वो टॉप 10 सेलर्स में आ रहा होगा, तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उसके रिव्यूज कम होंगे तो उस प्रोडक्ट को हम लोग लेने? रैंकिंग यहाँ पे जो अमेज़न पे रैंकिंग हो रही है वो आपके सिर्फ रिव्यूज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी सेल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वो आप जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है उसमें हम बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, आपके सर्च वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है। और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ठीक है, जब हम टूल पे वर्किंग करेंगे मैं तब आप लोगों को वहाँ पे काउंट करवाऊंगा, ठीक है, वहाँ भी दिखाऊंगा कि इन चीज़ों पे हमारा ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट है। ये रिव्यूज अलग चीज है, रिव्यू सिर्फ एज अ फीडबैक काम कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट वो थोड़ा बहुत वो भी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैंकिंग में रेटिंग में, लेकिन 100% उस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर से थोड़ा हटके है, प्ले स्टोर पे ये होता है कि जो रिव्यूज देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें रेट करते हैं कि कितने स्टार दें वो, ये वो सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था एज अ सेलर और एज अ बायर, एज अ सेलर हमने क्या देखना है उससे एज अ कंपटीटर देखना है, ठीक है, एज अ सेलर हमने उसे अपना ओपोनेंट देखना है कि मैंने उसे कम्पीट करना है, तो कम्पीट हम तभी कर सकेंगे जब उसकी रिव्यूज कम होंगे। रिव्यूज कम होने का मकसद क्या है ये बात चले, अच्छा क्वेश्चन था आपका। जब रिव्यूज कम होंगे हमें रिव्यूज कम मिलता है जब प्रोडक्ट सेल आउट होता है, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको क्या लगता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं
एक्चुअली प्रोडक्ट छोड़े जो एप्स यूज करते हैं, हर ऐप को फीडबैक देते हैं आप, अच्छा या बुरा है? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी दिया। वो तो बेचारे बार बार नोटिफिकेशन भी भेजते हैं कि रेट अस, और हम क्या कह देते हैं, डोंट रिमाइंड मी अगेन, ऐसा ही होता है। अगर इनके चले वहाँ का थोड़ा कल्चर ट्रेंड और है, अगर वो करते भी हैं रिव्यूज या फीडबैक देते हैं, तो फिर भी क्या है, अगर 10 लोग खरीदते हैं तो 5 या 6 रिव्यूज करेंगे, इज इट सो? अगर रिव्यूज मेरे पास हैं 1500, तो इट्स मीन मैं जब मार्केट में नया हूँ एज अ सेलर, मेरे कंपटीटर के रिव्यूज 1500 है, तो मैंने क्या करना है, इतने प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा कि मेरे रिव्यूज 1500 हों। मैंने रेशियो बताई है कि 10 पे मुझे 5-6 रिव्यूज मिल रहे हैं, तो 1500 रिव्यूज लेने के लिए मुझे कितने प्रोडक्ट की सेल्स करनी पड़ेंगी, सेल्स मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्टार्ट में मैं इतनी सेल्स कहाँ से करूंगा जब मेरा मार्केट ना पेज रैंक है ना मेरे पास रेटिंग है? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पे बात आ जाएगी, तो हम पीपीसी पे ज्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। हम पीपीसी से बचने के लिए रिव्यूज कम लेंगे ताकि उसे कम्पीट कर सके, मार्केट में नाम इजिली बना सके। रिव्यूज जितने कम होंगे हम उतने प्रोडक्ट्स को गिव अवे कर सकते हैं। गिव अवे क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री दे सकते हैं, या समटाइम ऐसा होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है। प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट फ्री में दे रहे होते हैं, क्या करते हैं कि क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप प्रोडक्ट मेरा खरीदें, प्रोडक्ट खरीद के एक रिव्यू करें प्रोडक्ट पे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको प्रोडक्ट हम आप पेमेंट करेंगे, प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होगा। जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा आपने रिव्यू कर देने हैं, रिव्यू करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, हम आपकी अमाउंट आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से हम फेक रिव्यूज भी लेते हैं, इन्हें फेक रिव्यूज बोलते हैं, इन्हें प्रॉक्सी मार्केटिंग बोलते हैं अमेज़न की जबान, ये भी हो सकता है। तो अभी जब प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है तो आपका एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज $30 का है, एक प्रोडक्ट अगर रिव्यूज एक रिव्यू के बदले आप $30 कर रहे हैं, तो खुद सोचे 1500 रिव्यूज चाहिए, तो 15 × 30 कितनी ब्लीडिंग होगी। तो रिव्यूज जितने कम होंगे प्रोडक्ट में, हमें स्टैंड करना, अपना नाम बनाना उतना बेस्ट होगा। और ये कभी भी नहीं होता कि अगर आपके रिव्यूज 10 हैं तो आप 100 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। हम जब यहाँ पे जाएंगे ना एनालिसिस पे, कल से हम टूल्स यूज करेंगे, वहाँ आप लोग देखोगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके रिव्यूज 30 से 40 हैं, 30-40 रिव्यूज हैं, और रेवेन्यू उनका लाखों में जा रहा है, लाखों डॉलर्स में जा रहा है, और सेल्स उनकी 10-10, 15-15 हजार, 5-5, 6-6 हजार हैं, और रिव्यू सिर्फ 40-50 रिव्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से हंटिंग की होती है, स्टैंड लिया, एक बार स्टैंड ले लिया, थोड़े बहुत रिव्यूज ले लिया, फिर मार्केट में अपना नाम अपने पंजे गाड़ लिए। ऐसे साथ सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएंगे। ठीक है, आई समझ मिस कंसा? जी सर, थैंक यू जी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।